हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है टोटली क्रिकेट की। जो ये मैच फिक्सिंग हो रही है, आईपीएल हो रही है, इसमें लोग सट्टा लगाते हैं, पहले से ही मैच फिक्स कर लेते हैं प्लेयर से बात करके कि तुम इतने रन बनाना, इतने ना बनाना, और बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं। तो एक और बार ये मैच फिक्सिंग जो जिसने करवाई है उस प्लेयर का नाम सामने आया, जिम्बाब्वे के कोच हैं, बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं अपने बाद, फिर भी उन्होंने ये काम कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का पीछा क्रिकेट से छूट ही नहीं रहा है, तो इस पर बेसी आज का एडिटोरियल हम इसे डिटेल में करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए, ताकि आपकी रीडिंग स्किल और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। और इसकी वीडियो और पीडीएफ भी हमने ऐप पर डाल दिया, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, द सिलेक्शन कैंपस नाम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल है लूजर स्ट्रिक। अब देखिए कितने अच्छे वे में आयरोनिकली कटाक्ष करते उन्होंने ये टाइटल बनाया। स्ट्रीक पता है क्या है, वैसे तो एक वोकैब का पार्ट है, पर गलती से उस प्लेयर का जो जिम्बाब्वे का प्लेयर है उसका नाम भी स्ट्रीक ही है। ठीक है, हिल स्ट्रीक, अभी नाम आएगा आगे देखना। लूज़र जो हमेशा ही हारा हो। स्ट्रीक का कई मीनिंग होते हैं। स्ट्रीक वैसे तो क्रिकेट की लैंग्वेज में ये वर्ड होता है लूजिंग स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक, मतलब स्ट्रीक मतलब इवेंट जो लगातार चलते हैं, बार बार कोई टीम हार रही है लूजिंग स्ट्रीक, बार बार जीत रही है लगातार जीत रही है विनिंग स्ट्रीक। और एक स्ट्रीक का मतलब होता है करैक्टर स्ट्रीक भी होता है किसी का, तो ये वो वर्ड यूज़ हो रहा है। करैक्टर जैसे वो बड़ा ही हट्टी आदमी है, स्टब बोन स्ट्रीक है उसमें, मीन स्ट्रीक है उसमें, लूजर स्ट्रीक की करैक्टर स्ट्रीक है उसमें, तो ऐसी करैक्टर स्ट्रीक जो औरों से अलग हो, तो लूज़र स्ट्रीक बोला गया उसको। एक तरह से वो लूज़र है आदमी जो भी है वो, ठीक है, जिसने फिक्सिंग कराई है मैच में, उसका नाम आया मैच फिक्स करवाने में गैम्बलिंग में, तो उसका नाम देते हुए कह दिया लूज़र स्ट्रीक है, लूज़र की करैक्टरिस्टिक है उसमें। चलिए हम रीड करते हैं आगे। किस पर बेस है एडिटोरियल आज का? ऑन क्रिकेट गैम्बलिंग एंड मैच फिक्सिंग। क्रिकेट में जो भी ये सट्टा लगाया जाता है, मैच फिक्स होता है, ये जो आप खेलते हो कई गेम्स, ठीक है, मोबाइल में पैसा जीतो, ये कहाँ से बनी है? बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं, प्लेयर्स को कह दिया जाता है तू पहले ही आउट हो जा, जान करके वो हार जाता है ताकि पैसा आ जाए, जो भी सट्टा लगाते हैं बड़े लेवल पे बुकी होते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट्स फाइट अगेंस्ट द स्कोर्ज ऑफ गैम्बलिंग एंड मैच फिक्सिंग इज़ फार फ्रॉम ओवर। क्रिकेट की जो लड़ाई है किसके खिलाफ? फाइट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो अगेंस्ट होती है, याद रखना। अगेंस्ट द स्कोर्ज, स्कोर्ज का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो ट्रबल पैदा करे, अ थिंग डैट कोज ट्रबल, मिस फॉर्चून कह लो, कर्स कह लो, ब्लेम कह लो, बर्डन कह लो, तो ये जो अभिशाप है ना गैम्बलिंग का और मैच फिक्सिंग का, बहुत दूर है अभी ख़त्म होने से, चला इसकी फाइट अभी बहुत दूर है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अभी भी क्रिकेट को लड़ना होगा इसके खिलाफ, बहुत पहले से चला आ रहा है ये। इंडिया के भी कई प्लेयर्स का पहले नाम आया था, अजरुद्दीन प्लेयर्स थे जो, मोहम्मद अजरुद्दीन, देखना आगे तो मूवी भी आ चुकी है। स्पोर्ट्स रेस्ट ऑन, रेस्ट ऑन का मीनिंग होता है डिपेंड ऑन। टू पाइवर्ट्स, पाइवर्ट्स का मतलब सेंट्रल पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्पोर्ट्स जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेस्ट ऑन का मतलब डिपेंड करता है, रेस्ट ऑन टू पाइवर्ट्स, पाइवर्ट्स का मतलब सेंट्रल पॉइंट है जो उसके मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। पहली क्या है? इज़ द एथलीट्स डिज़ायर टू विन, एथलीट की खुद की इच्छा जीतने की, इस पे डिपेंड करता है स्पोर्ट। बाय पुटिंग इन, पुट इन का मतलब होता है कुछ टाइम लगाना, गिव टाइम एफर्ट, द ग्रेटेस्ट इंडेवर, ग्रेटेस्ट इंडेवर यहाँ पर नाउन है, ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है, इंडेवर का मतलब अटैम्प्ट, एफर्ट करना किसी चीज़ के लिए, अटैम्प्ट। तो अब एथलीट का डिज़ायर क्या है किसी भी जीतने के लिए, वो कितने एफर्ट डालता है, ठीक है, पहला तो इस पर डिपेंड करता है। स्पोर्ट्स कोई भी खेल है तो प्लेयर्स कितना एफर्ट डालता है इस पर तो डिपेंड करता है, ये थोड़ा बिक जाए प्लेयर, एफर्ट दिखाना चाहिए। द सेकंड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी, किसी चीज़ की क्या क्वालिटी। तो दूसरी क्वालिटी है ना इज़ द फैंस बिलीफ, दूसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए फैंस का विश्वास, कि लोग विश्वास करते हैं उस टीम पर। डैट वट अनफोल्ड्स ऑन द टर्फ, अनफोल्ड्स का मतलब ऐसा विश्वास जो अनफोल्ड होकर आए, अनफोल्ड का मतलब सामने आए, लोग जाने, अनफोल्ड मतलब फोल्ड छिपा हुआ ना हो, बिकम नोन, जान जाए लोग, मतलब सामने निकल के आए। ऑन द टर्फ, ऑन द टर्फ, टर्फ का मतलब सिंपल होता है सरफेस ऑफ लेयर ऑफ लैंड, मतलब ग्राउंड, जैसे मैंने यूँ कह दूँ इन विच, या कोई सब्जेक्ट भी कह सकते हो जिसमें किसी प्लेयर को ज़्यादा नॉलेज हो, जैसे किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट में तो उसे क्रिकेट के बारे में अच्छी नॉलेज है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं हमें सरफेस लेयर ऑफ लैंड, ठीक है,
ग्राउंड जो सामने निकल के आए ग्राउंड पे या उस सब्जेक्ट पर इज बेस्ड ऑन सिंसेयर एफर्ट। तो दूसरी क्वालिटी क्या है, फैन का विश्वास, डेट वट अनफोल्ड्स ऑन द टर्फ, जो सामने जो विश्वास है डेट अनफोल्ड्स ऑन द टर्फ, जो मतलब लोगों को सामने आए ऑन द टर्फ ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, उस सब्जेक्ट की कितनी उसे नॉलेज है ग्राउंड लेवल पर, इज बेस्ड ऑन सिंसेयर एफर्ट, कितना कोई सिंसेयर एफर्ट डाल रहा है प्लेयर ताकि विश्वास कर सके फैन उसका, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर सामने निकल के आएगी, डिपेंड करता है सिंसेयर एफर्ट पर, कोई सीरियस है अपने खेल के लिए। स्पोर्ट इज अ रियल एंड इट्स इमीडिएसी, इमीडिएसी एक वो कैब आ गई यहाँ पर, इमीडिएसी का मतलब होता है बिल्कुल ही रियल इंपॉर्टेंट, ठीक है, करें आगे, मतलब इमीडिएसी मतलब द फैक्ट डैट समथिंग रियल, कोई छिपा हुआ ना हो, स्पोर्ट एक रियल गेम है और इसकी ये जो रियलिटी है ना बिल्कुल रियल होना, ये नहीं कोई काल्पनिक बातें हैं। ऑल्सो इन्वेस्ट इट, इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, टू पुट टाइम एफर्ट टू गेट एडवांटेज लेटर, तो मतलब अपना एफर्ट डालना, बाद में इन्वेस्ट करते नहीं हम पैसा, अपना मनी टाइम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि आगे हमें एडवांटेज मिले, तो कह रहे हैं स्पोर्ट एक रियल गेम है और इसकी यही रियलिटी, मतलब रियल मतलब लाइव होता है, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता, बिल्कुल लाइव खेलते हैं, कोई मूवी की तरह नहीं है ये कि मतलब पहले शूट कर लिया फिर लोगों को दिखा लिया कट कट बोल के, तो बिल्कुल लाइव है। और यही जो इसकी इमीडिएसी है ना, इमीडिएसी मतलब बिल्कुल रियल होना। Also invest it with long lasting meaning. Also invest it, जो इसको क्या कहते हैं invest करता है इसको with long lasting meaning. इसका long lasting मतलब बहुत लंबे समय तक, long enduring, long lasting मतलब जो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक इफेक्ट रहता है इसका लोगों पर, ठीक है, बिल्कुल ही लोग जुड़े रहते हैं इससे, long lasting meaning रहता है इसका। It is this enduring template. इट इज़ दिस एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग वही मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे तो एक्सेलेंट। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब एक मॉडल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है फॉर मेकिंग कंपेरिजन, वही इसका है जो लंबे समय तक जो लोगों पर इफेक्ट रहता है, एंड्यूरिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब एक मॉडल, नमूना, गाइड भी कह सकते हो, कोई भी आपको मतलब ये शेप दे दी गई, इसको देख के इसे स्टैंडर्ड मान के, इस सर्कल को स्टैंडर्ड मान कर ही आप सारे डिज़ाइन बनाओगे, तो ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, इस तरह की शेप दे दी आपको रेक्टेंगल, इसको देखकर ही आप सारे डिज़ाइन बनाओगे, तो एक नमूना हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं इट दिस एंड्यूरिंग टेम्पलेट डेट गेट्स टोर्न सुंदर व्हेन क्रिकेटर्स थ्रू मैचेस, कह रहे हैं ये जो इसका एंड्यूरिंग लॉन्ग लास्टिंग टेम्पलेट है, ये एक तरह का मॉडल है, डेट गेट्स ये हो जाता है, क्या हो जाता है, टोर्न का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में सेपरेट हो जाना, ठीक है, असेंडर का मतलब भी यही होता है, दो पार्ट में क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है, टोर्न असेंडर व्हेन क्रिकेटर्स थ्रो मैचेस, कब हो जाता है ऐसा, मतलब कब ब्रेक हो जाता है ये एंड्यूरिंग टेम्पलेट, ये जो मॉडल है कब गेट टेम्पलेट्स के लिए यूज़ हो रही है ये वर्ब डेट गेट्स, कब ये टूट जाता है ये जो मॉडल है, ये जो क्रिकेट का लॉन्ग लास्टिंग मॉडल है, स्टैंडर्ड है, ये कब टूट जाता है, जब क्रिकेटर थ्रो मैचेस, थ्रो मैचेस का मतलब डेलिबरेटली लॉस्ट अ फाइट, ठीक है, डेट यू कुड हैव वॉन, मतलब जान पूछ कर जो लोग क्रिकेटर मैच हार जाते हैं, अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कोई फाइटर है जान करके कहते हैं उसे पिट भाई तू जितना पिट सकता है इस सामने वाले से पैसे मिलेंगे, तो थ्रो मैचेस का मतलब है जान करके आप हार जाना जो आप जीत सकते थे, और कब ब्रेक हो जाता है, या फिर कोई एथलीट कंज्यूम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड ब्रेक रिकॉर्ड्स, और जब कोई एथलेटिक जो भी रेसल होते हैं रशिया पे ज़्यादातर एंटी डोपिंग के जो केस लगे रहते हैं डोपिंग की है इन्होंने प्लेयर्स में, क्या करते हैं ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स का मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वो होते हैं जो आपका मसल और बोन्स गेन करवा देते हैं, और वो क्या कहते हैं नशा वगैरह करके रिकॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ों से ब्रेक हो जाता है ये स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स का। करप्शन डेट टेंट्स परफॉर्मेंस इज ए पॉइजन डैगर, तो कह रहे हैं करप्शन डेट टेंट्स, टेंट्स का मतलब एक वर्ब कितना यूज हो रहा है, करप्शन इसका सब्जेक्ट है, तो करप्शन डेट टेंट्स, ठीक है, तो ये जो टेंट्स है ये वर्ब है आपकी करप्शन सब्जेक्ट के लिए, टेंट्स का मतलब होता है धब्बा, इनफैक्ट, स्पोइल, डिस्ट्रॉय कर देना, करप्शन जो है टेंट्स परफॉर्मेंस इज अ पॉइजन डैगर, डैगर का मतलब क्या होता है, एक नाइफ होता है, यूँ मान लो शार्प नाइफ होता है जिससे मतलब किसी पे क्या कहते हैं किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, शॉर्ट नाइफ शार्प, तो कह रहे एक वेपन की तरह यूज़ कर लो ऐसे, तो कह रहे हैं जो करप्शन है
डेड टेंट जो खराब कर देता है, स्पॉइल कर देता है परफॉर्मेंस, एक बड़ा ही जहरीला वेपन है। विच क्लीव्स, क्लीव्स का मतलब क्या होता है, क्लीव्स का मतलब सेपरेट कर देना, कट और ब्रेक इनटू पार्ट्स, जो तोड़ देता है, क्या तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है स्पोर्ट्स थ्रोबिंग हर्ट। थ्रोबिंग का मतलब धड़कता हुआ, कोई बार बार रेगुलर बीट हो रहा है हर्ट, ठीक है, स्पोर्ट का धड़कता हुआ जो हर्ट है उसे तोड़ देता है। ये एक तरह का करप्शन, मतलब एक ऐसा धब्बा डालता है परफॉर्मेंस जो एक तरह का क्या है, जहरीला वेपन है, जो क्लीव कर देता है, ब्रेक कर देता है, क्या तोड़ देता है, स्पोर्ट्स का ये धड़कता हुआ दिल जो रेगुलर बीट करता है, मतलब धड़कता रहता है। एंड द लेटेस्ट स्कैंडल, और जो लेटेस्ट स्कैंडल आया है, ठीक है, इन्वॉल्विंग, स्कैंडल का मतलब जो भी अब लेटेस्ट कांड हुआ है, जो पकड़ा गया है, ठीक है, कौन पकड़ा गया, जिम्बाब्वे के जो कोच है, इन्वॉल्विंग हिट स्ट्रीक नाम है ये इनका, इज ए क्रशिंग ब्लो। क्रशिंग ब्लो का मतलब, क्रश का मतलब क्या होता है, क्रशिंग ब्लो को इकट्ठा पढ़ लेते हैं हम ईडीएम की तरह, ठीक है, क्रशिंग ब्लो का मतलब होता है मेजर डिफीट और सेटबैक, बहुत ज़्यादा मतलब एक धक्का लगा है, डिफीट, हार हुई है टू क्रिकेट के लिए। द फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन एडमिटेड टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद बुकीज, तो फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन ने एडमिट किया कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या एडमिट किया, एडमिट टू शेयरिंग, एडमिट टू के बाद प्रीपोजिशन है टू, इसलिए नाउन है जेरन, टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद बुकीज, तो उन्होंने की इन्फॉर्मेशन शेयर किया बुकीज के साथ कि भाई ऐसे ऐसे प्लेयर जीतेगा, इतने रन बनाएगा, जो भी है बुकीज के साथ शेयर कर दी, वाइल ही पहले इस प्लेयर को उतारेंगे दूसरे नंबर पर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, वाइल ही वॉज द कोच ऑफ वेरियस टीम्स रेंजिंग फ्रॉम जिम्बाब्वे टू कोलकाता नाइट राइडर्स। कब, किस दौरान, जब वो कोच थे किस किस के, वेरियस टीम, वेरियस टीम, रेंज, रेंज का मतलब वेराइटी ऑफ थिंग्स बिलोंग टू सेम ग्रुप, जिस जिसमें कौन कौन सी वेराइटी आती थी, मतलब कौन कौन सी टीम के कोच थे, जिम्बाब्वे से लेके आईपीएल की केकेआर जो शाहरुख खान की टीम है उनके कोच रह चुके हैं। एंड हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड बिटकॉइंस फॉर फेवर्स रेंडर्ड, और उन्होंने बिटकॉइंस भी एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी होती है ये, पैसे से रिलेटेड है, मतलब फॉर फेवर्स रेंडर्ड, फेवर देने के लिए, रेंडर्ड का मतलब होता है टू प्रोवाइड और गिव समथिंग एज ए हेल्प टू सपोर्ट, किसी भी लोगों को कोई हेल्प दे देना, सर्विस दे देना, ठीक है, तो ये जो भी सर्विस इन्होंने दी है, लोगों को बताया है, बुकीज को ये फेवर किया है, इसके बदले में उन्होंने बिटकॉइंस भी एक्सेप्ट किए हैं। चलो भाई, दिस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट को तोड़ा है, ये तोड़ना, ब्रीच का मतलब ब्रेक अ लॉ ऑफ रूल, ठीक है, कोई भी रूल या लॉ तोड़ना, ओकर्ड लार्जली फ्रॉम, जो ये ज़्यादातर हुए हैं, ये ज़्यादातर 2016 टू 2018 में किए इन्होंने, एंड ऑन वेनसडे द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वेनसडे मतलब इस बुधवार को क्या हुआ, आईसीसी दुबई में है ना इसका हेडक्वार्टर, बैंड स्ट्रीक, उसी प्लेयर की बात कर रहे हैं, बैंड स्ट्रीक फॉर 8 ईयर्स, इस प्लेयर को नाम है ये जो इनका, बैन स्ट्रीक फॉर 8 ईयर, मतलब 8 साल के लिए क्या कर दिया उनको, बैन कर दिया, ठीक है। इट वॉज ए फॉल फ्रॉम ग्रेस, इट वॉज ए फॉल फ्रॉम ग्रेस, मतलब लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, ग्रेस का मतलब, फॉल फ्रॉम ग्रेस का मतलब होता है लॉस ऑफ ग्रेस या रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट खो दी, जो भी उनकी प्रेस्टीज थी, इमेज थी, सब चली गई, इट, ठीक है, फॉर वन ऑफ द जिम्बाब्वे ग्रेटेस्ट प्लेयर, जो जिम्बाब्वे के ग्रेटेस्ट प्लेयर थे। स्ट्रीक वॉज ए क्राफ्टी फास्ट बॉलर, क्राफ्टी फास्ट बॉलर का मतलब क्या है, बड़े ही चलाक, क्राफ्टी वो होता है जो क्लेवर हो, फास्ट बॉलर थे, एंड ए यूजफुल बैट्समैन एज एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्लियर है, इन हिज कंबाइंड, क्राफ्टी का मतलब वो ये स्किल हो जिसमें चलाकी हो, ठीक है, एज एविडेंट, जो क्लियर है बिल्कुल, इन हिज कंबाइंड इंटरनेशनल टैली, टैली का मतलब रिकॉर्ड ऑफ 455 विकेट, जो उन्होंने कंबाइंड इंटरनेशनल टैली है, जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं, 455 विकेट्स लिए हैं, 4933 इन्होंने रन बनाए हैं ड्यूरिंग ए 12-ईयर करियर, डेट फिनिश्ड इन 2005, जो 2005 में उनका ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब ये कोच बन गए थे उस टाइम। डिसबिलीव वॉज द फर्स्ट इमोशन वेन मैच फिक्सिंग रियर इट्स हेड इन 2000, डिसबिलीव वेन यू डू नॉट बिलीव समवन, अविश्वास, सबसे पहला इमोशन माइंड में आता है लोगों के जब मैच आया था, व्हेन द मैच फिक्सिंग रियर्ड, डिसबिलीव वाज द फर्स्ट इमोशन, सबसे पहला इमोशन था व्हेन मैच फिक्सिंग रियर्ड, रियर्ड का मतलब होता है उठना, ठीक है, राइज अप, रियर्ड इट्स हेड का मतलब सबसे सामने एग्जिस्टेंस में आया था, अपना सर उठाया था 2000 में सबसे पहले, ठीक है, 2000 में सबसे पहले फिक्सिंग की घटना हुई होंगी। इट वाज ए कॉन्फ्लेग्रेशन, कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब ऐसी आग जो मतलब भड़क के बहुत आगे तक फैल रही है, इट वाज ए कॉन्फ्लेग्रेशन, लार्ज फायर,
ठीक है, डेट कोज डैमेज भी कह सकते हो, ए लार्ज एंड वायलेंट इवेंट भी कह सकते हो, सच एज वॉर जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, ऐसा इवेंट जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, ऐसी फायर जो डैमेज कर दे। तो कह रहे इट वॉज अ कॉन्फ्लेग्रेशन डेट हर्ट मैनी हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स। ये एक तरह का बड़ी एक तरह की ज्वाला थी जिसने कई हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स को हर्ट किया था, इंक्लूडिंग द लेट, लेट का मतलब होता है जो पहले जो डाई हो चुके, मर चुके हैं, ठीक है, डाइड हैंसी क्रोंजे, ये थे साउथ अफ्रीका के कोई प्लेयर थे, ये मोहम्मद अजरुद्दीन हमारे इंडिया के थे एंड सलीम अली के पाकिस्तान के थे, ठीक है। तो इनका नाम आया था 2000 के टाइम, जडेजा का भी था उस टाइम। द एलिगेशन मे हैव फेल टू गेन, तो ये एलिगेशन है ये जो इन पे आरोप लगे हैं शायद फेल हो गए हैं टू गेन लीगल सैंक्टिटी। मतलब लीगल सैंक्टिटी का मतलब यही है कि ये लीगली रूप से इनको रिस्पेक्ट, सैंक्टिटी का मतलब बींग होली, द स्टेट ऑफ बींग होली या रिस्पेक्ट मिले, इंपॉर्टेंट हो, तो इन्हें कोई लीगल इंपॉर्टेंस तो नहीं मिली थी, ठीक है। इन लॉन्ग ड्रॉन केसेस, तो कह रहे हैं ये जो लंबे समय तक केस चले थे इनको कोई भी मतलब लीगली रिस्पेक्ट नहीं मिली, बट द विस्पर्स रिमेंड, बट द विस्पर्स का मतलब फुसफुसाहट, लोग एक दूसरे के कानों में हल्के से बोलते हैं, ठीक है, ये फिर भी जारी था। द सोर्डिड सागा, सोर्डिड का मतलब क्या होता है बताइए, सोर्डिड का मतलब यूँ कह सकते हो आप अनप्लीजेंट, डर्टी, सागा का मतलब स्टोरी होती है, ठीक है, लंबी कहानी या फिर लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये कह रहे हैं ये बड़ी ही अनप्लीजेंट डर्टी इवेंट्स हैड अनदर इंस्टॉलमेंट, तो द सोर्डिड सागा हैड अनदर इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, व्हेन स्पोर्ट फिक्सिंग हर्ट द, तो कह रहे हैं इसकी अनदर इंस्टॉलमेंट, किस्त नहीं भरते है? एक पार्ट हो गया फिर स्टोरी का दूसरा पार्ट आ गया, ऐसी किस्त, स्टोरी के भी पार्ट्स होते हैं, पैसा लिया हो किसी पे उसके भी किस्त के पार्ट होते हैं। तो कह रहे हैं अनदर इंस्टॉलमेंट व्हेन स्पोर्ट फिक्सिंग हर्ट द 2013 इंडियन प्रीमियर लीग फोर्सिंग ए क्लिंचिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो कह रहे हैं फिर 2013 में आईपीएल में हुआ ये, ठीक है, नाम आया था श्रीधन का कोई नाम है ऐसे प्लेयर, ठीक है, श्री शांत कुछ ऐसे नाम है जो हरभजन ने एक बार उसको थप्पड़ भी मार दिया था, देख लेना, ठीक है, बिग बॉस वगैरह में भी क्या कहते हैं खतरों के खिलाड़ी में भी आए थे श्रीधरन, कुछ नाम याद दिए मुझे, चलो रीड करते हैं हम। 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग में भी हुआ था, जिसने क्या फोर्स किया था, क्लिनजिंग, क्लीन मतलब जो भी उसके मेंबर थे, जो भी सफाई की एक तरह से फोर्स कर दिया कि सफाई की जाए, बीसीसीआई जो इंडियन की देखो सबसे ये अमीर क्रिकेट बोर्ड है पूरे वर्ल्ड का, बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई मुंबई में है ना इसका हेडक्वार्टर, सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। द सेम डिस्पोंडेंसी वाज इन वोग, तो ये कह रहे हैं इस तरह की सेम डिस्पोंडेंसी वाज इन वोग, इन प्रचलन, इन वोग का मतलब प्रचलन में, इन करंट फैशन, डिस्पोंडेंसी का मतलब क्या होता है, होपलेस है लोग, लॉस ऑफ होप, करेज ही नहीं बचा लोगों में, तो ये कह रहे हैं सेम डिस्पोंडेंसी, निराशा वाज इन वोग, प्रचलन में थी आफ्टर द आईसीसी मेंशन स्ट्रीक्स, तो कह रहे हैं कब थी, जब आईसीसी ने मेंशन किया स्ट्रीक्स ट्रांसग्रेशंस, ट्रांसग्रेशन का मीनिंग क्या है, क्राइम होता है, वायलेशन ऑफ लॉ, तो जब स्ट्रीक ने ये जो कानून तोड़े हैं, इवन इफ भले ही द कैवेट वाज डेट, कैवेट का मतलब एक वार्निंग होती है, एक कंडीशन होती है, जैसे फॉर्म फिल कर लो पर कैवेट जरूर पढ़ लेना, कंडीशन क्या है इसके ऊपर, वार्निंग क्या है, तो कह रहे हैं भले ही, इवन इफ का मतलब भले ही, तो कह रहे हैं आईसीसी ने जब मेंशन किया था इसका ये जो भी क्राइम, इवन ही भले ही द कैवेट, बड़े जो ये कह रहे हैं वार्निंग है, बड़े ही जो प्रोविज़न है, ठीक है, वाज डैट कंडीशन भले ये थी डैट हिज एक्शन हैड नो बियरिंग ऑन, बियरिंग ऑन का मतलब इफेक्ट होना किसी चीज़ पे, कोई इफेक्ट तो नहीं था इनके एक्शन का, रिजल्ट ऑफ द गेम्स, कि इनके कारण कोई गेम के रिजल्ट पलटे हो, नहीं, इतना कुछ खास नहीं किया, इन विच ही वाज इन्वॉल्व एज अ कोच, जिन भी गेम्स में वो एक कोच की तरह इन्वॉल्व थे उन पे बेशक से कोई इफेक्ट नहीं है, बट स्ट्रीक्स मे नॉट हैव फिक्स्ड अ कॉन्टेस्ट, शायद स्ट्रीक ने जो प्लेयर है शायद कोई कॉन्टेस्ट फिक्स भी ना किया हो, मे हैव वी थ्री इसलिए यूज होती है पास्ट की पॉसिबिलिटी, मे प्लस वी वन फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, मे हैव वी थ्री पास्ट की पॉसिबिलिटी, तो स्ट्रीक ने शायद ये कोई भी कॉन्टेस्ट मुकाबला फिक्स ना किया हो, बट इन शेयरिंग कॉन्टैक्ट्स ऑफ प्लेयर विद बुकीज, अच्छा प्लेयर्स के कॉन्टैक्ट ही इसने बुकीज को दे दिए, ही वाज ये करकर ही वाज पेविंग द वे, पेविंग द वे का मतलब होता है रास्ता खोल देना, मेक इट ईजियर फॉर समवन, ही वाज पेविंग द वे फॉर ए प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब पॉसिबल अंडरवेलमिंग शो, पॉसिबल अंडरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग का मतलब होता है एक ही
डिसअपॉइंट करने वाली परफॉर्मेंस, ठीक है, फेल टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल, अंडरवेलमिंग, ठीक है, ओवरवेलमिंग जबरदस्त, ठीक है। तो एक शायद है कि इन्होंने डिसअपॉइंट करने वाली परफॉर्मेंस दिखाई है। बुक इज लर विद रिस्पेक्ट फॉर सीमिंगली इनोकुअस इन्फॉर्मेशन, ओके, कहते हैं बुक इज लर विद रिक्वेस्ट, बुक इज लर विद रिक्वेस्ट का मतलब है फॉर सीमिंगली इनोकुअस इन्फॉर्मेशन बिफोर दे स्प्रेड द नेटवर्क, ठीक है। लोअर का मतलब क्या होता है, किसी को लुभाना, अट्रैक्ट करना, टेम्प्ट करना, तो बुकीज क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं फॉर सीमिंगली इनोकुअस इन्फॉर्मेशन, जो लगती तो ऐसे है कि एक हार्मलेस इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई ऑफेंसिव नहीं है, बिफोर दे स्प्रेड द नेटवर्ड, किससे पहले, इससे पहले ये सब होने से पहले, बाद में वो पूरा फैला देते हैं, ठीक है। शुरू में तो मतलब वो लोअर विद रिक्वेस्ट मतलब अट्रैक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जो लगती तो बिल्कुल ही हार्मलेस है, जिसमें कोई हार्म नहीं है, जैसे प्लेयर्स की वही तो मांगे हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, ज़्यादा कुछ थोड़ा मांगे, तो ये इनोकुअस होगी, इनोकुअस मतलब जिसमें कोई ऑफेंसिव नहीं है, हार्म नहीं है, बिफोर दे स्प्रेड अ नेटवर्ड, इससे पहले वो फैले। इट मे बी रिकॉल्ड डैट, ये याद किया जा सकता है, रिकॉल्ड का मतलब रिमेंबर इन माइंड, डैट इन 1990 शेन वॉन एंड मार्क वो, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं 1990 में, भी इनकी बात कर दी, कॉन्फेस्ट, कॉन्फेस्ट का मतलब एडमिट करना टू शेयरिंग पिच एंड वेदर इन्फॉर्मेशन, इन्होंने पिच और वेदर की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि पिच ऐसी है भाई, मौसम ऐसा रहेगा, बता दी थी बुक इसको विद अ बुक मेकर, ठीक है, बुक जो भी बुक करता है मैच में सट्टे वगैरह लगाता है। स्ट्रिक्स मिसडेमिनर, क्या है ये मिसडेमिनर, मिसडेमिनर का मतलब क्या होता है, मिसडेमिनर एक ऐसा क्राइम होता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, जो माइनर रॉन्ग डूइंग हो, ठीक है, माइनर रॉन्ग डूइंग हो, ज़्यादा सीरियस ना हो, इज ऑल्सो ए स्टेप बैक फॉर जिम्बाब्वे, तो ये जो कह रहे हैं स्ट्रीक का जो मिसडेमिनर है, इज ऑल्सो ए स्टेप बैक, स्टेप बैक का मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाना किसी चीज़ में, स्टेप बैक पीछे खींच लेना, फॉर जिम्बाब्वे क्रिकेट विच इज रिटर्निंग फ्रॉम ए लॉन्ग ड्रॉन एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि रिटर्न कर रहा था, किससे रिटर्न कर रहा था, ये जो एक तरह का स्टेप बैक है, जो रिटर्न हो रहा है किस चीज़ से, लॉन्ग ड्रॉन, लंबे एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस से, इनमें पहले ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस चल रहा है, मैनेजमेंट का क्राइसिस चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि देखते हैं क्या हुआ था इनके साथ, डेट फोर्स द, उस क्राइसिस ने क्या कर दिया था, डेट फोर्स द अर्ली रिटायरमेंट ऑफ द फ्लावर ब्रदर्स ग्रैंट एंड एंडी, ये हमारे टाइम बड़े अच्छे प्लेयर हुआ करते थे जब हम क्रिकेट देखते थे, ग्रांट फ्लावर, एंडी फ्लावर, बहुत अच्छे प्लेयर होते थे, ठीक है, तो इनकी बहुत पहले रिटायरमेंट करवा दी इनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है, तो ये पहले से क्राइसिस में है। एंड द एग्जाइल, एग्जाइल होता है किसी आदमी को उसकी कंट्री से ही बाहर निकाल देना, एग्जाइल ऑफ हेनरी ओलंगा, किससे, एग्जाइल मतलब निकाल देना किसको, हेनरी ओलंगो, कौन था ये हेनरी ओलंगो, बहुत अच्छा प्लेयर था वहाँ का भी, ठीक है, उसको निकलवा ही दिया था कंट्री से किसी साजिश के तहत, ठीक है, फोर्स करके। स्ट्रिक्स नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्ट्रिक्स डैलियंस, क्या होता है डैलियंस का मतलब बताइए, स्ट्रिक्स डैलियंस, अच्छी वो कह भैया भी, स्ट्रिक्स डैलियंस बोलिए, डैलियंस का मतलब यूँ कह सकते हो आप, इन्वॉल्विंग इन बैड एक्टिविटी, यूँ कह सकते हो, इन्वॉल्विंग इन बैड एक्टिविटी, किसी गंदी एक्टिविटी में फंसा होना, चाहे थोड़े समय के लिए फंसा होना, टेम्परेरी टाइम के लिए, तो कह रहे हैं स्टेक डालियंस विद ग्रीड, तो ये जो लालच में जो ये इन्वॉल्व थे, ठीक है, शोज डेट, ये दिखाता है कि ICC फाइट अगेंस्ट द स्कॉर्ज, फिर आ गया ये वर्ड, वही चीज़ आ गई, फाइट अगेंस्ट द स्कॉर्ज, जो भी ये अभिशाप है, ठीक है, कर्स है, ऑफ गैम्बलिंग एंड मैच फिक्सिंग, जो ये जो फाइट है इसके खिलाफ, ये जो धब्बा है गैम्बलिंग और मैच फिक्सिंग का जो ट्रबल पैदा करता है, ये फार फ्रॉम ओवर है, अभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है।